प्रजापिता ब्रह्म कुमारी बहनों ने राखी के अवसर पर पुलिस ऑफिस पहुंचकर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अन्य पुलिस कर्मियों की कलाई में राखी बांधी, जिसके संबंध में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी सुनीता ने बताया कि राखी पर्व पवित्रता का पर्व है। यह पर्व बहन और भाई का है। बहन भाई को राखी बांधती है और भाई प्रतिज्ञा करता है कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि यह राखी का त्यौहार है, इसलिए मनाया जाता है कि पूरा संसार पवित्र बने और दुनिया के अंदर शत्रु प्रधानता न आए। सभी मनुष्य आत्माएं विकारों से जो ग्रसित हैं, काम लोभ मोह और अहंकार आत्माओं के विकारों से मुक्ति और आज़ादी मिले और वो अपना जीवन श्रेष्ठ तरीके से जी सकें। उन्होंने कहा कि पुलिस भाइयों का राखी बांधने का उद्देश्य है कि वो अपने जीवन में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और हम सभी बहनों की दुआ इनके ऊपर बनी रहती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए ब्रह्म कुमारी सुनीता ने कहा, ये ब्लेसिंग कार्ड है, इसमें कुछ लिखा है पीछे आपके लिए। अरे ये हो गया, इसकी भी आवश्यकता, आप इसे पढ़ेंगे। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी इसका लक्ष्य है, नर ऐसा कर्म करे नारायण बने और नारी ऐसा कर्म करे जो लक्ष्मी बने। हम मनुष्य देवता बन सकते हैं पर परमात्मा नहीं बन सकते, ठीक है? तो ये लक्ष्य है अपना ब्रह्मा कुमारी इसका। आने वाला कल तो यही होगा, ठीक है? एक राज्य होगा, एक धर्म होगा, एक भाषा होगी, एक कुल होगा, सभी मानव देव समान होंगे। ब्रह्मा कुमारी सुनीता। हाँ, ये तो ऐसे भी राखी पर्व पवित्रता का पर्व है, दुआओं की राखी है, बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बहन को प्रतिज्ञा करता है कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, ठीक है ना? पहले तो हम स्व की रक्षा करें, तब राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। धर्म की रक्षा करें, धर्म की भी रक्षा होना बहुत ज़रूरी है। और एक पवित्रता की राखी स्वयं परम पिता परमात्मा शिव पवित्रता का सागर आकर के विश्व की सारी आत्माओं को पावन बना रहे हैं। और ये पवित्रता की राखी का पर्व इस वजह से मनाया जाता है कि पूरा संसार पवित्र बने
और दुनिया के अंदर सत्व प्रधानता आवे, सभी मनुष्यात्माएं विकारों से जो ग्रसित है, काम क्रोध लोमो और अहंकार, उन आत्माओं को उन विकारों से मुक्ति मिले, आज़ादी मिले और वो अपना जीवन श्रेष्ठ तरीके से जी सके। इस राखी बंधन का पर्व इसी वजह से मनाया जाता है कि हम सभी मनुष्यात्माएं पावन बने। ऐसे तो कहने के लिए ये बहन भाई का संबंध की राखी है, लेकिन ये राखी बहुत विशेष है। हर एक मनुष्यात्माओं को पावन बनना होगा और पावन दुनिया में जाने के योग्य बनेंगे तभी हम पावन दुनिया में आ सकेंगे। इससे पवित्रता का त्यौहार मनाया जाता है। ये दुआओं की राखी, हम सभी बहुत भावनाओं से भाइयों को ये राखी बांधते हैं। ओम शांति। जी जी, हाँ, वो इनको तो राखी बांधने का विषय यही है कि ये तो अपने जीवन में बहुत व्यस्त रहते हैं और उनके लिए भी यही है कि वो भी ईश्वर का हाथ पकड़ करके, साथ पकड़ करके आगे बढ़ें, और उनके लिए भी हम दुआएं करते हैं कि वो भी अपने जीवन में सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और हम बहनों की दुआएं उनके लिए होती हैं। ओम शांति।